अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको बताएंगे आम और चावल बनाने का तरीका। ये जो है हमारे आम बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। जब भी आम आते हैं हम लोग तो बहुत शौक़ से खाते हैं। चलिए हम आपको सिखाते हैं अभी इसको कैसे साफ़ करना है, कैसे बनाना है। इस तरह आराम आराम से आम को साफ़ करना है ताकि सिर्फ छिलका ही अलग हो जाए, बाकी आम जो है ज़ाया ना हो। आराम आराम से आप इस तरह कटर से साफ़ कर सकते हैं, अगर कटर ना हो छुरी से भी कर सकते हैं। पहले अच्छे से इसको वॉश करना है क्योंकि उस पर स्प्रे वगैरह होता है तो उससे बीमारी भी लगती है, जहर वाले स्प्रे होते हैं, तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें बहुत ज़्यादा गले हुए आम भी ना हो ताकि वो साफ़ करते करते ही ख़त्म हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक करना है कि ज़्यादा ख़राब आम ना हो, गले हुए ना हो, ज़्यादा पके हुए ना हो। अच्छा, हम लोगों ने इस तरह छिलका साफ़ करके इस तरह भी इसको कट लगाने हैं, इस तरह करके फिर इस तरह लाइन्स लगाने, इस तरह क्यूब शेप में काटेंगे हम इसको। हाथों की सफाई का भी ख्याल रखें और कोशिश किया करें नेल्स वगैरह जो हैं साथ साथ में काटा करें ताकि खाने पीने की चीज़ों में ये चीज़ें जाए नहीं, कचरा वगैरह, ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। और हमारे हम मुसलमान लोग हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं कि मतलब नेल्स वगैरह बड़े हों, खाने में जम्स वगैरह जाएँ, जितनी भी सफाई का ख्याल रखें, लेकिन माओं के साथ जो है ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्यों बच्चों का घर होता है, सफाई हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। और आजकल की बीमारियों का आप लोगों को पता है, बस बहाना ही चाहिए। अच्छा, तो इस तरह हम लोग करके आम काट लेंगे, क्यूब्स बना लेंगे। नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स हों, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स हों। ये देखिए हम लोग इस तरह पूरा करके साफ़ करके काट लिया है। इस तरह पूरा साफ़ करेंगे, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देंगे। ये देखें पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। ये देख रहे हैं आपको भी जिस तरह दूसरा भी काटूंगी मैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हो गया। अच्छा, थोड़ा सा तेल गरम किया, तेल चेक करें कि गरम हो गया है तो हाँ। तो आप अपने चावल अपने हिसाब से बनाएं कि कितने आपने मतलब रखने हैं। मैंने जो है बिल्कुल पाव से थोड़े ज़्यादा चावल बनाए हैं एक टाइम के लिए। अभी इसमें जो है मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, मेरे पास था तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसीलिए मैंने ऐड किया है। अगर आप करो भी ना भी करो तो मर्ज़ी है। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे और जलने के लिए नहीं छोड़ना, अगर ये जल गए ना बस गए, इसके इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है हम लोग कच्चा ही लेते हैं, कच्चा वाला जो है सौंफ का वो है। चावल देखिए, ये चावल अच्छे से धो लिए हैं, अभी इसको चावल को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, चावल को अगर आप लोग सीधा रखना चाहो, नमकीन रखना चाहो, इसमें मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना मिर्च ना मसाला ना चीनी। आप लोगों को अगर पसंद हो थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा आप लोग जो है वो नमक भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वैसे भी मेरा ख़त्म हो गया, मैंने तो थोड़ा सा था पूरा डाल दिया इसमें। ये देखिए इस तरह अच्छे से चावल को भी हिलाएं, इसको अच्छे से अभी बॉईल करें। कम से कम मेरा आधा पाव पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चावल है, उसको 3 गिलास पानी में मैंने अच्छे से बॉईल किया है। ये लीचने चावल भी अभी बॉईल हो चुके, पूरा देखिए पानी भी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी रह गया, अभी हम इसको रखेंगे। अच्छा, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, बच्चों का घर है तो बच्चों की मर्ज़ी पे हर चीज़ चलती है, तो मैं बच्चों के लिए जो है इसमें कलर्स ऐड करूँगी ताकि बच्चों को और ज़्यादा अच्छा लगे। कलरफुल चीज़ें बच्चों को वैसे भी पसंद आती हैं। मेरे पास जो घर में कलर पड़े हुए थे मैंने वो कलर डाले इसमें। ये देखिए ये रेड कलर है, मैं इसमें ये रेड कलर ऐड करूँगी थोड़े से चावल निकाल के। और दूसरे बॉल में मैं ग्रीन कलर जो था मेरे पास घर में ही पड़ा था, ये ग्रीन कलर ऐड करूँगी।
ये देखिए अभी ये ग्रीन और रेड कलर ऐड हो गया। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा ये मिक्स हो गया, ये देखिए ये ग्रीन कलर है, ये भी अच्छे से मिक्स करूँगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अभी मिक्स हो चुका है। ये मिक्स होने के बाद इसको हम लोग जो है अभी डेगची में डाल देंगे, ऐसे ही ऊपर रखना है। अभी इसमें कोई चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं मारेंगे हम लोग इसको। अभी हम लोग कम अज़ कम आधे घंटे तक दम पे रख देंगे। देखिए तवा रख दिया, तवे के ऊपर, मैं तवे पे इसीलिए दम पे रखती हूँ, बहुत अच्छे से दम आता है, नीचे से चावल भी नहीं लगते। देखिए ये चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल सादे चावल और बहुत खूबसूरत कलरफुल चावल हैं। मर्जी आप कलर भी ऐड करें ना करें, सादे चावल भी हो, टेस्ट तो वही होता है। सिर्फ कलर बस ये है कि बच्चों को पसंद आता है। अच्छे इसको हमने अच्छे से मिक्स किया, ऊपर नीचे किया। ये देखिए कितने खूबसूरत खिले खिले कलरफुल चावल हो गए। अच्छा अभी हम इसको मैंगो के साथ सर्व करेंगे, दिखाएंगे। ये देखिए प्लेट में मैंगो के साथ इसको सर्व किया, और आप अपने घर में ये बच्चों के लिए लाजमी ट्राई करें, बड़ों के लिए बहुत टेस्टी आता है। और ये फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है, इसमें आप लोग जो है चीनी भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं पानी को बॉईल करते हुए, नमक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ख़ुद पर्सनली नमक के साथ तो ये मैंगो अच्छा ही नहीं लगता है, इसीलिए सादे चावल के साथ भी कर लें तो बहुत ही अच्छा है। आप लोग अपना फीडबैक